Hello, dear learners. Let's start the third lecture on the topic positions of different adverbs in sentences. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम दो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पर, पोजिशंस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स इन सेंटेंसेज. इसको लेकर हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू. ये थर्ड एंड फाइनल लेक्चर है इस सीरीज का. और इन लेक्चर्स के थ्रू आपको जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी पोजीशन जो सेंटेंस में होती है, कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है सेंटेंसेस में, उसके बारे में आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले यहां पर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी. इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स आपको याद ही होंगे, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवर, ठीक है, यूजली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये सब. तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इनकी पोजीशन होती है सेंटेंस में मिडिल. दे आर यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन इन द सेंटेंसेस. ठीक है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं. जैसे कि वी ऑफन प्ले चेस. ठीक है, दूसरा ही विल नेवर एग्री ऑन इट. तो ये जैसे हैं, अब ये नेवर एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, ऑफन एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है. तो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब्स होते हैं ये मिड पोजीशन में यूज होते हैं सेंटेंसेस में, इनकी पोजीशन होती है मिडिल. तो एक तो ये ध्यान देना कि एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी आर यूज इन द मिडिल पोजिशन इन द सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद में जो ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, एवर, ऑफन कैन नॉट गो इन द फ्रंट पोजिशन विदाउट इन्वर्जन. ठीक है, मतलब ये जो हमारे एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, वी कैन समटाइम यूज देम. देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के तरीके से फ्रंट पोजिशन में भी यूज किए जा सकते हैं. जैसे कि समटाइम्स आई फील होपलेस. Usually, it rains at weekends. ठीक है, ये देखिए यहां पर जो हमने sometimes लिखा या usually लिखा ना, these are adverbs of frequency. These adverbs refer to frequency. Indefinite frequency adverbs होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे होते हैं जैसे ऑलवेज है, सेल्डम है, एवर है, ऑफन है, नेवर है. ठीक है, स्ट्रेसिंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी. तो इनको अगर हम फ्रंट पोजिशन में यूज करें, वी कैन यूज देम एट इन द फ्रंट पोजिशन, बट वी हैव टू यूज द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इनके साथ में ना वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करें. इन्वर्टेड फॉर्म से मतलब क्या, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सेल्डम हैज ही told a lie. Never will I go there again. ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया, Never will I go there again. अब यहां पे समझना, ये सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो अगर हम इनको फ्रंट पोजीशन में यूज करेंगे तो इनके साथ हमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी. इन्वर्टेड फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले पोजीशन की जाएगी. ठीक है, इस तरीके से. अच्छा, ये अगेन एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है तो वो एंड में यूज होता है. ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशन होती है वो इन द एंड होती है, तो वो सही है. तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज आर यूज इन द मिडिल पोजीशन इन द सेंटेंसेस, बट सम ऑफ दीज एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज इन द फ्रंट पोजीशन, लाइक समटाइम्स, यूजुअली, रेगुलरली, एवरी डे, एटसेट्रा. ठीक है, बट दीज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, सेल्डम, एवर, ऑफन, नेवर, विच आर स्ट्रेसिंग एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, दिस कैन नेवर बी यूज इन द फ्रंट पोजिशन विदाउट इन्वर्जन. दिस कैन बी यूज इन द फ्रंट पोजिशन बट यू हैव टू यूज इन्वर्टेड फॉर्म विद दोस. ठीक है, इनके साथ में आपको इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करना पड़ता है. तो ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज के यूजेस हो गए. उसके बाद में हमें ध्यान ये रखना है कि
जैसे कि हमें पता है कि एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड इन द मिडिल पोजीशन, इनका यूज मतलब हम सेंटेंस में करते हैं मिडिल पोजीशन में, लेकिन जो लॉन्गर एडवर्ब्स हैं एज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, लॉन्गर एडवर्ब्स जो होते हैं आर नॉट यूज इन द मिडिल पोजिशन, उनको मिडिल पोजिशन में नहीं यूज किया जाता है। लॉन्गर एडवर्ब्स का मतलब मैं फिर से आपको बता देता हूँ, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो। लॉन्गर एडवर्ब्स का मतलब है एडवर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, मतलब बेसिकली एडवर्बियल्स, ठीक है, उनको हम मिडिल पोजिशन में नहीं यूज करते, ठीक है, उनको हम एंड पोजिशन में सेंटेंस के यूज करते हैं। ऐसे समझना, जैसे कि वी विजिट दैट टेम्पल एट रेगुलर इंटरवल्स, ओके, ही कॉल्स मी नाउ एंड देन। अब यहां पे एक बात समझना, ये जो हमने नाउ एंड देन लिखा है या एट रेगुलर इंटरवल्स लिखा है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रीक्वेंसीज इनडेफिनिट, बट एज दीज आर फ्रेजेस। अब चूंकि ये फ्रेजेस हैं भाई, नाउ एंड देन एक एडवर्ब फ्रेज है, थ्री वर्ड्स मिलके एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं, सो इट इज अ फ्रेज। एट रेगुलर इंटरवल्स एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये जो फ्रेजेस होती हैं, वेदर दीज आर एडवर्ब फ्रेजेस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, दे कांट बी यूज इन द मिडिल पोजिशन, इनको हम मिडिल पोजिशन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि लॉन्गर एडवर्ब्स आर नॉट यूज इन द मिडिल पोजिशन, उनको मिडिल पोजिशन में नहीं यूज करना है, उनको एंड पोजिशन में यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज जो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है उनको मिडिल पोजिशन में यूज करना है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी आर यूजली यूज इन द मिडिल पोजिशन। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी जो होते हैं प्रोबेबली, ठीक है, सर्टेनली, इनको भी हम मिडिल पोजिशन में ही यूज करते हैं। जैसे कि दे विल सर्टेनली हेल्प यू, ठीक है, इट हैज प्रोबेबली वर्सेंट द सिचुएशन, इट हैज प्रोबेबली वर्सेंट द सिचुएशन। नाउ सी, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, प्रोबेबली एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी को भी हम मिडिल पोजिशन में यूज करते हैं, ठीक है, इनको भी मिडिल पोजिशन में ही यूज किया जाता है। तो ये जो इनकी हमने पोजिशन यूज कर रखी है इस सेंटेंस में, इट इज द मिडिल पोजिशन। ये ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, ये क्या आ गया है इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी को भी मिडिल पोजीशन में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में दो एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, मे बी एंड परहैप्स, ठीक है, इनको हम फ्रंट पोजीशन में यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे ये होता है कि मे इज ऑल्सो अ मॉडल, मे एक मॉडल ऑक्सिलरी भी होती है, तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन मे बी एंड परहैप्स आर ऑलवेज यूज इन द फर्स्ट फ्रंट पोजिशन। जैसे कि मे बी ही हैज फॉलन इल, मे बी ही हैज फॉलन इल, ठीक है, परहैप्स दे लैक प्रॉपर ट्रेनिंग, परहैप्स दे लैक प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये जो परहैप्स हैं और मे बी हैं, दीज आर ऑल्सो एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, बट दीज आर यूज इन द फ्रंट पोजिशन, इनको फ्रंट पोजिशन में यूज किया करो, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद में मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि दिस मे बी इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ओके, बट दिस मे बी इज मॉडल वर्ब, मॉडल विद अ वर्ब। जैसे कि हमने लिखा He may be your friend. तो ये जो मे हमने लिखा ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये जो बी है ये वर्ब है। तो ये ध्यान देना कि मे बी को जब हम एज अ सिंगल वर्ड यूज करते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होता है और इसकी पोजिशन होती है इन द फ्रंट, इसको हम फ्रंट पोजिशन में सेंटेंस के यूज करते हैं। अच्छा,
बाकी परहैप्स जो होता है परहैप्स ऑल्सो शेयर्स द सेम मीनिंग, परहैप्स और मे बी का मीनिंग सेम होता है, तो हम इन दोनों को ही फ्रंट पोजिशन में यूज करते हैं, ठीक है। अगेन लॉन्गर एडवर्ब्स आर नॉट यूज इन द मिडिल पोजिशन, लॉन्गर एडवर्ब्स को मिडिल पोजिशन में नहीं यूज किया जाता, ठीक है। तो चाहे वो लॉन्गर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो, सॉरी प्लेस बता रहा हूँ, चाहे सर्टेनिटी के हों, चाहे इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के हों, उनको हम मिडिल पोजिशंस में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उनको इन द एंड पोजिशन हमें यूज करना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से एक आपको बताऊं, आई कैंट से एनीथिंग फॉर श्योर, ठीक है। फॉर श्योर यूर, जब जब फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ठीक है, तो ये फ्रेज है तो ये लॉन्गर एडवर्ब्स की उसमें कैटेगरी में चला जाएगा, देन वी हैव टू यूज इट इन द एंड पोजिशन, तो हम इसको एंड पोजिशन में यूज करेंगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। नाउ सी, विदाउट एनी डाउट ये जो फ्रेज है ना, ये एक मतलब एडवर्ब है, लेकिन ये फ्रेज है तो हमने इसको एंड पोजिशन में यूज किया। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक सिंगल वर्ड एडवर्ब यूज करें तो फिर हम उसको मिडिल पोजिशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दे विल अनडाउटेडली विन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो हमने अनडाउटली यूज किया, ये हमने मिडिल पोजिशन में यूज कर दिया बिकॉज इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। लेकिन ये जो हमने विदाउट एनी डाउट लिखा है, इट इज नॉट एडवर्ब, इट इज एन एडवर्बियल, एडवर्बियल, ये एक एडवर्बियल है, एक फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, तो हम इसको मिडिल पोजिशन में नहीं यूज कर सकते, इसको हमें एंड पोजिशन में यूज करना पड़ेगा। तो ये एक जनरल फैक्ट है, हमेशा ध्यान रखना कि लॉन्गर एडवर्ब्स आर नॉट यूज इन द मिडिल पोजिशन, दे आर इधर पुट इन द फ्रंट पोजिशन और दे आर पुट इन द एंड पोजिशन, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में आ गए एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस, एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस आर यूजली यूज इन द मिडिल पोजिशन, दे आर ऑल्सो, देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस, एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर सेम, दीज आर यूज इन द मिडिल पोजिशन, इनको हम यूज करते हैं मिडिल पोजिशन में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ही कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, दे हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। They are fully prepared. तो जैसे fully है, completely है, ठीक है, इनका use हम करते हैं middle position में। तो adverbs of completeness जो होते हैं, ठीक है, ये भी आपके middle position में ही use किए जाते हैं, इनका ध्यान रखना, इनको भी middle position में ही use किया जाता है। एक छोटी सी बात है इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि adverbs of जो कंप्लीटनेस होते हैं, दे आर यूजली यूज आफ्टर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, इनको हम जनरली ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए, दे हैव बीन हार्डली ब्लेम्ड फॉर इट, ठीक है। अब यहां पे समझना, ये जो हार्डली हमने लिखा ना, ये एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है बेसिकली, आप एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस कहें, दैट इज द सेम थिंग, वो एक ही बात होती है, ठीक है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, ब्लेम्ड मेन वर्ब है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर हम कोई वर्ब पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें जो मिडिल पोजिशन के एडवर्ब्स होते हैं वो ऑल ऑक्सिलरीज के बाद में यूज होते हैं, तो एक तो कॉन्सेप्ट वही हो गया। अदरवाइज अगर हम इसको लिख दें एक्टिव फॉर्म में तो भी हमें यही करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से लिख के समझाता हूं, ही शुड हैव
हार्डली नोटिस्ड इट. नाउ सी, शुड हेल्पिंग वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब, नोटिस्ड मेन वर्ब, हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस. ठीक है, तो अब देखिए ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में, शुड हैव नोटिस्ड एक्टिव फॉर्म की वर्ब है, हैव बीन ब्लेम्ड पैसिव फॉर्म की वर्ब है. तो ये आपको ध्यान देना है कि जो एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, इनको अगर हम ऑक्सिलरीज के साथ यूज करते हैं, देन वी यूज देम विद आफ्टर ऑल ऑक्सिलरीज वर्ब्स, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके बाद में हम इनको इजिली पोजिशन करते हैं. ठीक है, बिकॉज दीज आर स्ट्रेसिंग. एक्चुअल में होता है क्या ना, जैसे जब हम कोई एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस यूज करते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ एक्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजेक्टिव या एक्सटेंट ऑफ एडवर्ब को स्ट्रेस करने के लिए होता है. क्योंकि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस जो होते हैं ना, ये किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की रेंज को, उसकी इंटेंसिटी को स्ट्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, क्लोजेस्ट टू द वर्ब यूज करते हैं, मतलब वर्ब के सबसे पास यूज करते हैं. तो अगर वर्ब के साथ में हमने एक या एक से ज्यादा ऑक्सिलरीज यूज कर रखे हैं, तो हर हालत में इन्हें हम वर्ब के पास में ही लिखते हैं, पुट करते हैं, सो दैट दे डोंट लूज देयर इफेक्ट, जिससे कि वो अपना इफेक्ट लूज ना कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली बात छोटी सी है, इसको ध्यान रखना कि एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज जो होते हैं, उनको हम ऑल ऑक्सिलरीज के बाद में यूज करते हैं, उनको हम सारी ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बाद में यूज करते हैं, क्योंकि वो डिग्री या वो कंप्लीटनेस एक्शन की ही शो कर रहे होते हैं. तो इसीलिए हम उनको एक्शन से डिटैच नहीं करते, उसके साथ में ही लिख देते हैं. और जो भी ऑक्सिलरीज होती हैं वो सब एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस से पहले लिखी जाती हैं. ठीक है, ये मतलब छोटी सी बात है, आप इसको जैसे चाहें वैसे याद कर लें. नेक्स्ट देखिए, लॉन्गर एडवर्ब्स आर नॉट यूजली यूज इन द मिडिल पोजिशन. ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि लॉन्गर एडवर्ब्स जो हैं उनको मिडिल पोजीशन में यूज करना ही नहीं है. ठीक है, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी हो, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस हो, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हो, उनको तो इन द एंड पोजीशन ही यूज करना है. ठीक है, मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ध्यान रखना. द स्कीम विल बेनिफिट, द स्कीम विल बेनिफिट एवरी सिटीजन ग्रेटर और लेसर. ठीक है, दूसरा, दे हैव स्टडीड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल और लिख देता हूं, आई कैंट पे द अमाउंट इन फुल. अब देखिए ये जो हमने इन फुल लिखा है या टू अ ग्रेट एक्सटेंट लिखा है या ग्रेटर और लेसर लिखा है, These are the adverb phrases of completeness, adverb phrases of degree. But as these are phrases, not single words, तो चूंकि ये single words adverb नहीं है, adverb phrases हैं, that's why we have used them in the end position. तो हमने इनको end position में use किया. तो ये एक छोटा सा concept है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो longer मतलब longer adverbs होते हैं, जो adverb phrases होती हैं या adverb clauses होती हैं, they can't be used in the middle position. उनको हम मिडिल पोजीशन में यूज नहीं कर सकते. ठीक है, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी हो, चाहे आपके एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस या एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. ओके, उसके बाद में देखें, एडवर्ब्स ऑफ फोकस आर यूजली यूज इन द मिडिल पोजीशन. जो एडवर्ब्स ऑफ फोकस होते हैं, जैसे ऑल्सो है, ऑनली है, इवन है, जस्ट है, ठीक है, उनको भी हम मिडिल पोजीशन में ही यूज करते हैं. मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे कि ही विल ओनली वेट फॉर 2 आवर्स. ठीक है, दे कांट इवन, They can't even explain
दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए ये जैसे इवन है, जस्ट है, ओनली है, इनका यूज हम करते हैं तब जब हमें फोकस करना होता है, मतलब सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फोकस करना होता है, ठीक है? एक छोटी सी बात यहां पे ध्यान रखेंगे, जनरली क्या होता है कि जो हमारे ये फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं या एडवर्ब्स ऑफ फोकस होते हैं, अगर ये सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, मतलब अगर ये देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट, एक पार्ट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा फोकस एडवर्ब यूज करेंगे जो सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, यही हमेशा पता है, तो उस केस में फिर वो वर्ड एडवर्ब ना रह के वो डिटरमिनर या मॉडिफायर की कैटेगरी में चला जाता है, मतलब वी डोंट कंसीडर इट एन एज एडवर्ब देयर, वी कंसीडर इट अ मॉडिफायर और अ डिटरमिनर, ठीक है? तो वो सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि उस केस में वो एडवर्ब नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है? जैसे अगर ये ओनली जो है ना ही को स्ट्रेस करने के लिए होता है, तो हम इस ओनली को मिडिल पोजिशन में नहीं लिख पाते, हम इसको ही से पहले ही लिखते, ओनली ही विल वेट, ठीक है? अगर ये इवन दे को स्ट्रेस करने के लिए होता तो फिर हम इसको मिडिल पोजिशन में नहीं, दे से पहले ही लिखते, इवन दे कैन नॉट, ठीक है? तो ये एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फोकस होते हैं, ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, अगर मान लीजिए हम कोई एडवर्ब ऑफ फोकस ऐसा है जो यूज करना चाहते हैं टू फोकस द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सब्जेक्ट को स्टेटमेंट के हम फोकस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उस एडवर्ब को मॉडिफायर मानेंगे, मतलब वो मॉडिफायर होगा या फिर वो डिटरमिनर होगा, और चूंकि वो डिटरमिनर या मॉडिफायर होगा तो हम उसको उस नाउन प्रोनाउन से पहले लिखकर यूज करेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है? अदरवाइज अगर वो एडवर्ब ऑफ फोकस प्रेडिकेट के किसी पार्ट को फोकस करने के लिए, मान लीजिए प्रेडिकेट की वर्ब को या प्रेडिकेट में यूज हो रहा है किसी एडजेक्टिव को या प्रेडिकेट में यूज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट को या प्रेडिकेट में यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको मिडिल पोजिशन में यूज करेंगे। अच्छा, मिडिल उसकी जनरल पोजिशन होती है, तो ये ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना है तब तो फिर आपको सब्जेक्ट से पहले ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज अगर हमें प्रेडिकेट के किसी पार्ट को या प्रेडिकेट में यूज हो रहे किसी वर्ड को फोकस करना है, स्ट्रेस करना है, तो हम एडवर्ब्स ऑफ फोकस को यूजली, नॉट ऑलवेज, यूजली यूज इन द मिडिल पोजिशन, तो हम उन्हें मिडिल पोजिशन में यूज करते हैं। लेकिन फिर एक दूसरी भी बात होती है, बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज टू फोकस, दीज वर्ड्स आर यूज टू स्ट्रेस सम पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज, तो इनके लिए एक बेटर पोजीशन ये होती है कि यू यूज देम जस्ट बिफोर द वर्ड दैट यू हैव टू मॉडिफाई, ठीक है? तो ये यहां पे देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा, बाकी आप ध्यान रखेंगे, सम ऑफ दिस कैन आल्सो बी यूज डायरेक्टली बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। तो चूंकि ये फोकसिंग एडवर्ब्स होते हैं, स्ट्रेस करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को यूज किए जाते हैं, तो हम इनको, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज से पहले भी पुट करके यूज कर सकते हैं जिसको स्ट्रेस करना है, और अगर आपको स्ट्रेस करना है तो आपको उनसे पहले ही लिखकर यूज करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूं, देखिए इवन मोहन कांट सिंग दिस सॉन्ग, सेकेंड मोहन कांट इवन सिंग दिस सॉन्ग, थर्ड मोहन कैंट सिंग इवन दिस सॉन्ग, अब जैसे हमने ये तीन सेंटेंसेस लिखे, ठीक है? अच्छा, आप देखेंगे ध्यान से, इन तीनों सेंटेंसेस में हमने एक इवन जो है वो यूज कर रखा है, इवन जो होता है एम्फेसाइजर होता है, और अगर मान लीजिए हम इवन का यूज ना करें इस सेंटेंस में, सपोज हम इवन ना यूज करें, तो ये सेंटेंस देखो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस तब ऐसे लिखा जाएगा, मोहन कांट सिंग दिस सॉन्ग, ऐसे लिखा जाएगा, तो इसमें होगा क्या, मोहन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कांट सिंग वर्ब हो गई, दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, और एक कैंट सिंग दिस सॉन्ग पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब मान लीजिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है मोहन कैंट सिंग दिस सॉन्ग, इसमें हम इवन मोहन को स्ट्रेस या हाईलाइट या फोकस करना चाहते हैं, तो हम इवन का यूज मोहन से पहले करेंगे, ऐसे इवन मोहन कांट सिंग दिस सॉन्ग, तो इसका मतलब वी आर सरप्राइज अबाउट इट, कि हम इस चीज को लेकर सरप्राइज हैं, सपोज
एवरीवन एक्सपेक्ट्स मोहन विल सिंग, ही इज अ गुड सिंगर, मोहन अच्छा सिंगर है, वो इस सॉन्ग को सिंग कर लेगा, लेकिन मोहन भी नहीं गा पाया. तो वी आर सरप्राइज अबाउट इट दैट मोहन कुडेंट इवन डू दैट. ठीक है, तो हमने इवन को मोहन से पहले लिख दिया. लेकिन अगर मान लीजिए हमें मोहन जो हमारा सब्जेक्ट है उसे नहीं, ये कैंट सिंग वर्ब है इसे स्ट्रेस करना है, या ये जो सॉन्ग है इसी को स्ट्रेस करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो सिचुएशन होंगी. अगर आपको कैंट सिंग वर्ब को स्ट्रेस करना है, ठीक है, या दिस सॉन्ग को स्ट्रेस करना है, मतलब प्रेडिकेट के पार्ट को स्ट्रेस करना है, तो आप इवन को मिडिल पोजिशन में यूज कर लें ऐसे, मोहन कांट इवन सिंग दिस सॉन्ग. ठीक है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट सिंग को और दिस सॉन्ग को, दोनों को स्ट्रेस कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्पेशल फोकस ले करना है इसके, आप दिस सॉन्ग के ऊपर, तो आप इवन को दिस सॉन्ग के साथ में लिख दीजिए. ठीक है, तो यहां पे ध्यान ये रखना कि अगर आपको सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करना है तब तो आपको इम्फेसाइजर जो है वो सब्जेक्ट से पहले ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इम्फेसाइज करना है प्रेडिकेट के किसी एलिमेंट को, तो अगर प्रेडिकेट के किसी एलिमेंट को स्ट्रेस करना है तो एक जनरल पोजीशन जो होती है एडवर्ब ऑफ फोकस की, वो होती है मिडिल. आप उनको मिडिल पोजीशन में यूज करें. ठीक है, मिडिल पोजीशन क्या होती है वो आप पहले से जानते हैं, नहीं तो अभी मैं आगे आपको समझाने वाला भी हूं. अदरवाइज अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर वर्ड जिसको स्ट्रेस करना है उसके साथ में भी इनका यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो एडवर्ब्स ऑफ फोकस जनरली यूज होते हैं मिडिल पोजिशन में, अनलेस अंटिल दे आर डिस्क्राइबिंग द और दे आर फोकसिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो उनको हम मिडिल पोजीशन में यूज करते हैं. अदरवाइज इफ वी हैव टू ले स्पेसिफिक स्ट्रेस, अगर हमें स्पेसिफिक स्ट्रेस ले करना है तो हम इनको यूज करते हैं उस वर्ड से पहले लिखकर जिसको ये मॉडिफाई करते हैं. सो दैट इज द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फोकस इन दिस सेंटेंस. एडवर्ब्स ऑफ फोकस की सेंटेंस में पोजिशन ये होती है जो हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ अब हम यहां पे समझ लेते हैं कि ये इफेक्टिवली ये आपका इफेक्टिवली जो होता है मिडिल पोजीशन का मतलब क्या होता है, मिडिल पोजीशन क्या होती है. ठीक है, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया लेकिन फिर भी दो चार बातें मैं चाहता हूं आप और समझ लें. देखिए, एडवर्ब्स आर यूज आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी एक्सेप्ट व्हेन ऑक्सिलरी इज यूज फॉर द मेन वर्ड. होता क्या है कि मिडिल पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो आप एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं वो मेन वर्ब से पहले यूज होगा, वो आपका मेन वर्ब से पहले यूज होगा. अगर मेन वर्ब के साथ में कोई ऑक्सिलरी है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब पहले यूज होगा. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं. देखिए, He will always help you. ठीक है, He will always help you. They usually come late. तो देखिए, मिडिल पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एडवर्ब को मिडिल पोजीशन में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑलवेज और यूजली को मिडिल पोजीशन में यूज कर रहे हैं, तो मिडिल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप उसको मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे यहाँ पे विल है, तो आप उसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करेंगे, तो मिडिल पोजीशन का मतलब ये होता है. लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस, मतलब कोई भी एडवर्ब जो मिडिल पोजीशन में यूज होता है, हम उसको फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज करते हैं, लेकिन हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी लिख सकते हैं अगर ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की जगह पर यूज किया जा रहा है. व्हेन एन ऑक्सिलरी इज यूज्ड फॉर द मेन वर्ब, अगर हम किसी ऑक्सिलरी का यूज मेन वर्ब की जगह पर कर रहे हैं, मतलब हम मेन वर्ब ना यूज करके केवल ऑक्सिलरी वर्ब का वहां पर यूज कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम जो मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब से पहले लिखकर यूज करते हैं. ठीक है, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. देखिए, वी नेवर हैव ये नहीं हो पाएगा, इसमें असल में वर्ब अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको एग्जांपल को चेंज कर देता हूं. ठीक है, We never can or never will go there. अब जैसे यहां पे एक बात समझना, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, मतलब हमने एक सिचुएशन पॉसिबल मतलब अज्यूम की है, वी नेवर कैन और नेवर विल गो देयर, मतलब ना तो हम वहां पे जा सकते हैं, मतलब वी डोंट हैव द एबिलिटी, और ना ही हम कभी जाएंगे, मतलब हमारा मन भी नहीं, विलिंगनेस भी नहीं है. अब देखिए, जो कैन होता ना, ये कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, ये एक्सप्रेस करती है इंटेंशन ऑफ एबिलिटी,
ठीक है। विल जो है ये विलिंगनेस की मॉडल होती है, तो ये एक्सप्रेस करती है इंटेंशन ऑफ विलिंगनेस, और यहाँ पे ये मेन वर्ब है गो। तो ये हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर यूज किया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो कैन है इसके साथ में भी वर्ब गो अंडरस्टूड है और विल के साथ में भी है। विल के साथ तो खैर हमने वर्ब को लिख ही रखा है, लेकिन कैन के साथ में वर्ब अंडरस्टूड है, लिखी नहीं गई, मतलब वर्ब की जगह पे हमने केवल कैन लिख दिया। अब होता क्या है कि अगर हम कभी किसी ऑक्जिलरी को यूज करें मेन वर्ब की जगह पर, मतलब मेन वर्ब ना यूज करें उसकी जगह केवल ऑक्जिलरी वर्ब यूज करें, तब तो जो मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं वो आप ऑक्जिलरी वर्ब से पहले लिखो। अब देखिए जो नेवर है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हमें पता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं ठीक है वो मिडिल पोजीशन में यूज होते हैं। मिडिल पोजीशन का मतलब होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो कैन हेल्पिंग वर्ब है ना इसके बाद हमने मेन वर्ब नहीं लिखी, क्योंकि मेन वर्ब नहीं लिखी इसलिए नेवर हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब हमने लिख रखी है, विल हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है, तो हम नेवर को यहाँ से हटा के यहाँ लिखेंगे। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वी नेवर कैन और विल नेवर गो देयर। तो ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं ठीक है, जो भी एडवर्ब्स मिडिल पोजीशन में यूज होते हैं उनको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम मेन वर्ब का यूज ही ना करें, मेन वर्ब की जगह पर केवल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले आपके एडवर्ब्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नहीं पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और समझाते हैं ये बात। He has often gone there, but I have never. अब हमने एक सेंटेंस ये लिखा, ही हैज ऑफन गॉन देयर बट आई हैव नेवर, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है वो अक्सर कहीं गया है, मतलब कई बार वहां जा चुका है लेकिन मैं कभी नहीं गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिडिल पोजिशन में यूज होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जो होते हैं मिडिल पोजिशन में यूज होते हैं। तो मिडिल पोजिशन का मतलब ये होता है कि उनकी पोजिशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो वो जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, तो हमने ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है विच इज यूज इन द मिडिल पोजिशन एंड वी हैव यूज इट एट द राइट प्लेस, हमने इसको बिल्कुल सही जगह यूज किया है। लेकिन यहां देखें जो हैव है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जिस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है उस वर्ब को यहाँ पे लिखा नहीं गया, वो वर्ब गॉन है जो कि हमने पहले मेंशन कर रखी है, इसीलिए हम दोबारा वर्ब को रिपीट नहीं कर रहे हैं, हमने केवल वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिख के काम चला लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की जगह पर केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो एडवर्ब्स मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं उससे पहले लिखने चाहिए। तो इसको ऐसे लिखो, तो ये सेंटेंस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज ऑफन गॉन देयर बट आई नेवर हैव, आई नेवर हैव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है कि जो एडवर्ब्स मिडिल पोजिशन में यूज होते हैं उनको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में लिखते हैं, बट इन केस अगर कभी ऐसा हो कि हम केवल ऑक्सिलरी का यूज करें मेन वर्ब की जगह पर, मेन वर्ब का यूज ना करें, समटाइम्स मेन वर्ब इज अंडरस्टूड, समटाइम वी हैव यूज इट अर्लियर, पहले कई बार हम वर्ब को सेंटेंस में पहले यूज कर चुके होते हैं तो हम दोबारा उसको रिपीट करके नहीं लिखते, और समटाइम द वर्ब इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो उस केस में हम केवल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, तो अगर केवल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो मेन वर्ब नहीं यूज कर रहे हो, तो उस केस में जो मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले आपके एडवर्ब्स होते हैं वो आपको मेन वर्ब से पहले लिखने हैं ना कि बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखने हैं ना कि बाद में। ठीक है, उसके बाद में नो एडवर्ब्स आर यूज बिफोर द मेन वर्ब बी। अब देखिए द वर्ब बी इज ऑल्सो मेन वर्ब, ये जो वर्ब बी होती है ना हेल्पिंग वर्ब भी होती है मेन वर्ब भी होती है, तो कोई भी एडवर्ब ना इससे पहले नहीं लिखा जा सकता, इसके बाद ही लिखा जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर सम कॉम्प्लीमेंट, इट रिक्वायर सम कॉम्प्लीमेंट। तो जो भी आप एडवर्ब वगैरह लिखते हैं ना वो या तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है या इसके कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, तो इससे पहले आप नहीं यूज कर सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी एडवर्ब हम वर्ब बी से पहले नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ब बी की बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब बी की बात नहीं हो रही थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं कि जो वर्ब बी है ये लिंकिंग वर्ब है,
इट ऑलवेज रिक्वायर सम कॉम्प्लीमेंट. तो जो भी हम एडवर्ब यूज करते हैं वो या तो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो इसके बाद आएगा, या वो इसके कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा, मतलब इससे पहले नहीं यूज होगा. मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. देखिए, ही ऑफन गोज देयर, ठीक है, ही ऑफन वॉज लेट. ये हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे. अब यहां पे आप समझें, गोज इज द मेन वर्ब, वॉज इज द मेन वर्ब, ठीक है. तो ये जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले लिखना हमने लिख रखा है, सही है. उसी तरीके से हमने यहां भी लिख रखा है. बट अपने आप यहां पे एक बात समझो, मतलब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो खुद भी समझ जाओगे. दिस ऑफन इज नॉट डिस्क्राइबिंग वॉज, दिस ऑफन इज डिस्क्राइबिंग लेट, ठीक है. तो ये जो वर्ब बी होती है इसके साथ जब हम कोई एडवर्ब लिखते हैं तो वो एडवर्ब या तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो इसके बाद आ जाता है, या वो इसके कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है. अब जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट है लेट है, ठीक है, तो लेट इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच रेफर्स टू टाइम, और टाइम की फ्रिक्वेंसी क्या ये बताने के लिए हमने ऑफन यूज किया, तो इसको इसके साथ में पोजिशन कर दो. तो ये ध्यान देना कि एडवर्ब्स जो होते हैं मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले, ठीक है, वो मेन वर्ब से पहले लिखकर यूज किए जाते हैं, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, मतलब है तब तो भी वो मेन वर्ब से पहले ही लिखकर यूज किए जाते हैं. लेकिन ये जो बी जो हमारी मेन वर्ब होती है इसका ध्यान रखें कि नो एडवर्ब कैन बी यूज बिफोर इट, इससे पहले हमें कोई एडवर्ब नहीं यूज करना है. एडवर्ब्स अगर हमें बी की फॉर्म के साथ लिखने हैं तो बाद में ही लिखने हैं, ठीक है. क्यों लिखने हैं वो मैं आपको दोबारा समझा चुका हूं. उसके बाद में एडवर्ब्स आर यूजली यूज आफ्टर ऑल ऑक्सिलरीज इन केस ऑफ पैसिव वर्ब्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि अगर हम कोई वर्ब पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो मिडिल पोजिशन के एडवर्ब्स होते हैं वो ऑल ऑक्सिलरीज के बाद लिखे जाते हैं, नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, केवल फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद में नहीं, सारी ऑक्सिलरीज के बाद में उनके बाद में लिखे जाते हैं, ठीक है. फिलहाल मैं एग्जाम्पल आपको फिर से लिख देता हूँ ये बात रिकॉल करने के लिए, अदरवाइज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. It will be, probably, it will be probably it will be probably telecast on all channels. मान लीजिए कोई मैच है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सपोज कोई मैच है, ठीक है, और वो टेलीकास्ट किया जाना है, तो हम उसको लेकर ना सर्टेंटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी एडवर्ब ऑफ सर्टेंटी होता है, तो हम उसको लेकर सर्टेंटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है. तो देखिए, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, बी हेल्पिंग वर्ब है, और टेलीकास्ट मेन वर्ब है. अब चूंकि ये मेन वर्ब पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तो अगर कोई मेन वर्ब पैसिव वॉइस में है और हम उसके साथ में कोई एडवर्ब ऐसा यूज कर रहे हैं जो मिडिल पोजीशन में यूज होता है, तो उसको आप पोजीशन कीजिए आफ्टर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है. तो एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई विल, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई बी, तो आप उसके बाद में पोजीशन कर दीजिए, ठीक है. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इसी इसको और एक और तरीके से समझ लें. एक और तरीके से मान लीजिए हम एक दूसरा सेंटेंस लिख दें, दे विल प्रोबेबली बी टेलीकास्टिंग इट ऑन ऑल चैनल्स, ठीक है. तो इस कंडीशन में यह भी पॉसिबल है कि हम ऐसे लिख दें, दे विल प्रोबेबली बी टेलीकास्टिंग इट ऑन ऑल चैनल्स, ठीक है. तो विल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेलीकास्टिंग मेन वर्ब हो गई, बट इट इज एन एक्टिव वर्ब. ये वर्ब एक्टिव वॉइस में पैसिव नहीं है, ये ध्यान रखना. तो ये ध्यान देना, अगर कोई वर्ब पैसिव वॉइस में यूज हो रही है तो जो मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनको हम यूजली ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में यूज करते हैं, नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. तो हम उनको केवल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में ना यूज करके सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में यूज करते हैं, ठीक है. ये एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद में ये कुछ सेमी मॉडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑट टू, यूज टू एंड हैव टू, ठीक है. देखिए, वैसे तो मॉडल्स जो होते हैं हमें पता है कि दे डोंट टेक दिस टू, उनके साथ ये टू नहीं यूज होता है ना तो हम इसे एज अ पार्टिकल यूज करते हैं और ना ही हम उसको एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं. मॉडल्स के बाद में डायरेक्ट हम वर्ब लिखते हैं, कैन गो, विल गो, शुड गो, ठीक है, ऐसे. तो
खुद तक कि अगर हम ऑट टू यूज टू और हैव टू का यूज करें, ये सेमी मॉडल्स होते हैं और इनके साथ में हमें ऐसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज यूज करने पड़े हैं जो मिडिल पोजिशन में यूज होते हैं, जिनकी पोजिशन होती है मिड पोजिशन इन द सेंटेंस, तो वो आप इनके बाद ना यूज करें, इनसे पहले यूज करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको एग्जाम्पल से समझें। देखिए, दे शुड ऑफन हेल्प यू, दे ऑट टू ऑफन हेल्प यू। ये दो एग्जाम्पल से आप मेरी बात को समझें। देखिए, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और हेल्प मेन वर्ब है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मिडिल पोजीशन में यूज होता है, तो हमने उसको सही जगह यूज कर रखा है, क्योंकि अगर मिडिल पोजीशन में यूज होने वाला कोई एडवर्ब है तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लिखा जाएगा, तो ये सही जगह लिखा हुआ है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो ऑट टू जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है भाई, सेमी मॉडल ये भी है, हेल्प मेन वर्ब है, तो ये जो हमने ऑफन यूज किया ये भी हमने सही जगह यूज कर रखा है। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम ऑट टू, हैव टू या यूज टू में टू लिखते हैं ना, उस टू के जस्ट बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ये टू पार्टिकल होता है वर्ब का, ठीक है, तो वो टू के साथ में हमें वर्ब लिखनी पड़ती है, तो हम इसके बीच में एडवर्ब लिख नहीं सकते। जैसे ये हमने टू और हेल्प के बीच में ऑफन लिख देने, गलत लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने हैव टू लिखा या ऑट टू लिखा या यूज टू लिखा, तो ये जो फ्रेजेस हैं ये सेमी मॉडल्स का रोल प्ले करती हैं, तो ये भी एक यूनिट है भाई। ऑट टू एक यूनिट है जो सेमी मॉडल का काम करती है, यूज टू भी एक यूनिट है, हैव टू भी एक यूनिट है, तो ये हैव टू, यूज टू, ऑट टू ये यूनिट होते हैं, ठीक है, जो मॉडल्स का काम करते हैं, तो हम इनको भी स्प्लिट नहीं कर सकते। ऑट और टू के बीच में भी हम एडवर्ब नहीं लिख सकते, यूज और टू के बीच में भी नहीं लिख सकते, हैव और टू के बीच में नहीं लिख सकते, तो हम हैव टू, यूज टू, ऑट टू इनको भी स्प्लिट नहीं कर सकते, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको भी स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये जो हमने लिखा है ना ऑफन, ये गलत जगह लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसको ऑट टू से पहले लाएं या हेल्प के बाद ले जाएं। लेकिन हेल्प के बाद ले जाओगे तो दूसरी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हेल्प हमारी वर्ब ट्रांसिटिव है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा यू। अब हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एडवर्ब नहीं यूज किए जा सकते, तो हम उसको हेल्प के बाद ना ले जाने के मतलब ले जाने के बजाय पहले लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, दे ऑफन ऑट टू हेल्प यू। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है, ऑट टू, यूज टू, हैव टू, ये जो सेमी मॉडल्स होते हैं, इनके साथ में अगर आप कोई ऐसा एडवर्ब यूज करते हैं जो मिडिल पोजिशन में यूज होता है, तो वो इनके बाद नहीं, इनसे पहले यूज करें, ठीक है, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद यूज कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव टू, यूज टू, ऑट टू, इनसे पहले लिखकर यूज करें, ठीक है। एक एग्जांपल से ये बात और समझा देता हूं। देखिए, दे हैव टू नेवर गेट अप अर्ली। अब जैसे हमने ये लिखा, दे हैव टू नेवर गेट अप अर्ली, कि उन्हें कभी जल्दी नहीं उठना पड़ता। अब फिर से वही देखो, हो गया, ये जो हैव टू है ये एक यूनिट फ्रेज है जो मॉडल का काम करती है, तो हम हैव और टू को स्प्लिट कर नहीं सकते, तो इस नेवर को हम हैव और टू के बीच में लिख नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिट है। अच्छा, फिर ये जो हम हैव के साथ टू लिखते हैं ना, ये टू पार्टिकल होता है वर्ब का, तो उसको हमें वर्ब के जस्ट साथ पोजिशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो टू और गेट को हमने स्प्लिट कर रखा है, स्प्लिट हम इसे भी नहीं कर सकते, मतलब ना तो हम हैव टू को स्प्लिट कर सकते हैं ना हम टू गेट को स्प्लिट कर सकते हैं, तो नेवर गलत जगह लिखा हुआ है, पहले ले आओ, द नेवर हैव टू गेट अप अर्ली। तो ये अपना ध्यान देंगे कि जो मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब ये सेमी मॉडल्स हो, यूज टू, हैव टू, ऑट टू, तो इनसे पहले लिखना, इनके बाद में लिखना, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा कि मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं, द एडवर्ब्स विच आर यूज इन मिड पोजिशन और इन द मिडिल पोजिशन, दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उनको फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में लिखा जाता है। बट इन सर्टेन कंडीशन दे कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उनको फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी लिखा जा सकता है। कौन सी कंडीशन में? अगर फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब ये सेमी मॉडल्स हो, हैव टू, यूज टू, ऑट टू, या फिर वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बिना वर्ब के यूज हो रही हो, मतलब उसकी वर्ब उसके साथ में लिखी ना हो, वर्ब अंडरस्टूड हो गई हो, तो उन कंडीशन में हम ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी मिडिल पोजिशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स को लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, देखिए इसके बाद में आ गया मिडिल पोजीशन नेगेटिव सेंटेंसेस। मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हम नॉट का यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो नॉट निगेशन के लिए यूज होता है, ये तो पता ही होगा भाई। नॉट का यूज हम करते हैं निगेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए हम किसी सेंटेंस में नॉट का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो एडवर्ब हुए हैं जो मिडिल पोजिशन में यूज होते हैं, उनका हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे पोजिशन करेंगे, उनकी क्या प्लेसमेंट होगी, ठीक है, वो देखिए मैं आपको समझाता हूं। इन नेगेटिव सेंटेंस एडवर्ब्स यूजली कम बिफोर नॉट इफ दे इम्फेसाइज द नेगेटिव। जो नॉट का नेगेटिव मीनिंग होता है, अगर उसको एम्फेसाइज करने के लिए आप कोई एडवर्ब यूज कर रहे हो, तब तो आप उससे पहले यूज कर लो नॉट से, ठीक है, अदरवाइज आप बाद में यूज कर लो। तो मैं फिर से देखिए आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। नॉट को भी हम एक एडवर्ब ही मानते हैं, ठीक है, एडवर्ब निगेशन मानते हैं, ठीक है, हालांकि उसका फंक्शन जो होता है वो बाकी एडवर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, खैर उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि जो नॉट होता है, जब हम उसका यूज किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में जो मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, हमें यह समझना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं उसके लिए क्या है। अगर आप जो नॉट का नेगेटिव मीनिंग है, उस नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रेस और एम्फेसाइज करना चाहते हो, तो आप एडवर्ब को नॉट से पहले लिखो, अगर एम्फेसाइज करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप उस नॉट के मीनिंग को एम्फेसाइज नहीं करना चाहते हो, तो फिर एडवर्ब को नॉट के बाद लिखो, मतलब इस तरीके से हम उसको डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई आई सर्टेनली विल नॉट टॉलरेट इट। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे ये लिखा, आई सर्टेनली विल नॉट टॉलरेट इट, मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जो सर्टेनली है ना, ये पता है किस बात को स्ट्रेस कर रहा है, ये स्ट्रेस कर रहा है इस निगेशन को, कि ये काम नहीं किया जाएगा, किसी हालत में नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देन वी आर स्ट्रेसिंग द नेगेटिव इफेक्ट। तो ये जो नॉट है ना, जो नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है या जो नेगेटिव मीनिंग को कैरी कर रहा है, हमें इसी को स्ट्रेस करना है, नॉट को ही स्ट्रेस करना है। तो अगर नॉट को स्ट्रेस करना है ना, तो ये देखो हमने इसे पहले लिख दिया, ठीक है, आई सर्टेनली विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल सर्टेनली नॉट टॉलरेट इट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नॉट को स्ट्रेस करना है ना बेसिकली। तो हम इसको सर्टेनली को मिडिल पोजीशन का ये एडवर्ब है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, विल फर्स्ट हेल्पिंग और के बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख भी रखा होगा ये, इसको छोटा सा आप ध्यान रखेंगे, व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर नॉट दे मे आल्सो बी यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, ठीक है। तो जब हम एडवर्ब्स को नॉट से पहले यूज करते हैं, अब नॉट से पहले हम एडवर्ब को यूज क्यों करते हैं, नॉट से पहले हम एडवर्ब को यूज करते हैं नेगेटिव मीनिंग को मतलब इम्फिसाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो अगर हम नेगेटिव मीनिंग को इम्फिसाइज करने के लिए कोई एडवर्ब यूज कर रहे हैं, तो हम नॉट से पहले लिखेंगे। तो जो नॉट से पहले लिखे गए एडवर्ब्स होते हैं, उनको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद में या फर्स्ट ऑक्सिलरी से पहले दोनों जगह लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो जो विल है ये ऑक्सिलरी है, तो हम सर्टेनली को इससे पहले भी लिख सकते हैं, इसके बाद में भी लिख सकते हैं, आई सर्टेनली विल नॉट टॉलरेट इट, ये भी सही है, आई विल सर्टेनली नॉट टॉलरेट इट, ये भी सही है, ठीक है, प्रेफर इसको कीजिए, मतलब यूजुअली यूज ये होता है, आई सर्टेनली विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा ये अभी मैं आपको बाद में पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन अभी फिर से वापस वहीं आता हूँ। तो हमने इतनी देर में ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए हम किसी एडवर्ब का यूज करके नॉट का जो नेगेटिव मीनिंग है उसको इम्फिसाइज स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, तब तो हम उस एडवर्ब का यूज करेंगे नॉट से पहले। अच्छा जिन एडवर्ब्स का यूज नॉट से पहले किया जाता है नॉट के मीनिंग को इम्फिसाइज करने के लिए, वो चाहे आप नॉट से पहले लिखो या नॉट से पहले यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले लिखो, दे कैन बी यूज इट इधर प्लेस, उनको हम किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन समझना, मान लो मैंने लिखा दे ऑफन डू नॉट गो देयर, दे डू नॉट ऑफन गो देयर, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे ये लिख दिया, अब देखो ये ऑफन है हमारा एडवर्ब और ये है ऑफन एडवर्ब, यहां पर हमने इसको नॉट से पहले लिखा और यहां पे हमने नॉट के बाद लिखा, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है इसमें कौन सा सही है। देखिए अब सही की बात क्या होती है कि आप एडवर्ब की पोजीशन नॉट से पहले लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रेस करने के लिए उस एडवर्ब का यूज कर रहे हो या
फॉर सम अदर पर्पज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इससे पहले जो हमने सर्टेनली यूज किया था, इससे पहले जो हमने सर्टेनली यूज किया था, ठीक है, वो क्या था? वो था एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी था। तो वो जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी था ना, वो नेगेटिव मीनिंग नॉट को स्ट्रेस कर सकता है, क्योंकि आप सर्टेनिटी किसको लेकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, नेगेटिव को लेकर या पॉजिटिव को लेकर, तो हम सर्टेनली के थ्रू नॉट को निगेट कर सकते हैं, ये एम्फिसाइज कर सकते हैं, मतलब सर्टेनली एडवर्ब यूज करके, या अदर एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी या अदर एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस का यूज करके हम नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करके नेगेटिव मीनिंग को एम्फिसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो केवल जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है नॉट के नेगेटिव मीनिंग को एम्फिसाइज करने के लिए, तो हम उनको नॉट से पहले लिख सकते हैं। बाकी जो एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, वो नॉट को स्ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉट को या नॉट के नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको उससे पहले नहीं, उसके बाद ही यूज करते हैं। तो ये जो हमने ऑफन यूज किया ना डू नॉट से पहले, ये गलत हो गया, आप इसको बाद में यूज करें। ये पता कब सही हो सकता था? दे ऑफन डू नॉट गो देयर, तभी सही हो सकता था जब ऑफन डू नॉट को स्ट्रेस कर रहा होता, जो कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी तो है नहीं, तो चूंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये वर्ब को स्ट्रेस करेगा, ना कि वर्ब ये नॉट मीनिंग को, तो इसीलिए ये गलत है और ये सही है। तो जब मतलब कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है जिसमें हम नॉट का यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो एडवर्ब्स ऑफ मिडिल पोजिशन होते हैं उनकी पोजिशन थोड़ी सी वेरी कर जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप नॉट के मीनिंग को स्ट्रेस करना चाहते हो या नहीं। अगर आप नॉट के मीनिंग को स्ट्रेस करना चाहते हो तो आप एडवर्ब को उससे पहले लिखो, नहीं करना चाहते हो तो बाद में लिखो। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स में क्या होता है कि नॉट को आप इधर भी यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से समझना, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट रियली लाइक इट या लाइक स्वीट्स, ठीक है, या दूसरा मैंने लिखा, आई रियली डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब जैसे मैंने ये दो सेंटेंस लिखे, अब देखो यहां पर हमने रियली को डू नॉट के बाद यूज किया, नेगेटिव के बाद यूज किया, और यहां पर हमने रियली को डू नॉट से पहले यूज किया, ठीक है, और ये दोनों में सही है, क्योंकि रियली जो होता है ना ये इम्फिसाइजर होता है, मतलब रियली यूज करके हम इम्फिसाइज कर रहे होते हैं, अपनी सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि वी आर श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो चूंकि रियली सर्टेनिटी का एडवर्ब है तो हम इसके थ्रू नॉट को स्ट्रेस कर सकते हैं, तो ये दोनों सही है, आई डो नॉट रियली लाइक स्वीट्स ये भी सही है, आई रियली डोंट लाइक स्वीट्स ये भी सही है। अब होता क्या कि अगर हम रियली को डोंट से पहले लिखेंगे तो इसका मतलब हम इस नॉट को स्ट्रेस कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक शो कर रहा है, ये है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। अच्छा, डू नॉट लाइक लिखोगे तो डिसलाइक तो ये भी है, लेकिन चूंकि रियली को हमने डू नॉट के बाद स्ट्रेस कर यूज कर लिया, तो इसका मतलब हम नॉट का जो नेगेटिव मीनिंग है उसको स्ट्रेस नहीं कर रहे, अगर स्ट्रेस नहीं कर रहे तो ये माइल्ड डिसलाइक है, तो ये माइल्ड डिसलाइक है, ठीक है, मतलब ये डिसलाइक वीकर डिग्री की है और ये डिसलाइक मतलब ग्रेटर डिग्री की है। अगर बहुत ज्यादा कोई डिसलाइक करता है तो उसको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई रियली डोंट लाइक स्वीट्स, ठीक है। अच्छा, उतना ज्यादा नहीं डिसलाइक करता है, ठीक है, स्ट्रेस करने की नौबत आए तो फिर वो ऐसे लिखेगा, आई डू नॉट रियली लाइक स्वीट्स, ठीक है। तो मतलब ये कुछ कंडीशन में दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें जो एडवर्ब्स ऑफ मिडिल पोजिशन होते हैं उनकी पोजिशन वेरी करने लग जाती हैं, वो वेरी करने लग जाते हैं इस बात पे कि कहीं आपको वो जो नॉट का नेगेटिव मीनिंग है उसी को तो नहीं एम्फिसाइज करना है। अगर उसी को एम्फिसाइज करना है तब तो आप पहले लिखो एडवर्ब को, ठीक है, नहीं एम्फिसाइज करना है तो बाद में लिखो, ठीक है। अच्छा, नॉट के नेगेटिव मीनिंग को एम्फिसाइज वही एडवर्ब्स कर सकते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ कंप्लीटनेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है या एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी है, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं कर सकता, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको तो आपको नॉट के बाद में ही लिखना पड़ेगा, ये छोटी सी बात है, आप ध्यान रखें, जब नोट्स वगैरह बनाएंगे इनको डिटेल में लिख लेंगे, ठीक है। खैर, उसके बाद में एडवर्ब्स कैन बी यूज ओनली बिफोर द नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्टेक्टेड नेगेशन। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम नॉट का ना यूज कई बार कॉन्टेक्टेड फॉर्म में भी करते हैं, जैसे हमने विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिख दिया, ठीक है, या कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कैन नॉट तो एक ही वर्ड होता है, खैर इसको कैंट लिख दिया, ठीक है, या हैज नॉट को हैजंट लिख दिया।
तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम नॉट को मतलब कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में यूज करें तो उस केस में जो एडवर्ब है उसको पहले ही लिखें, उसको बाद में ना लिखें। उस केस में पोजीशन एक ही हो सकती है, ठीक है? जैसे कि दे प्रोबेबली विल नॉट गो देयर, दूसरा दे विल नॉट प्रोबेबली गो देयर, ठीक है? थर्ड दे प्रोबेबली वॉन्ट गो देयर, ठीक है? और एक डी दे वॉन्ट प्रोबेबली गो देयर। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब यहां पे क्या किया हमने, एक प्रोबेबली जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है उसका यूज किया। प्रोबेबली जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, इसका यूज किया, और जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, एक मिनट, ठीक ऐसे। तो अब देखो होता क्या है, अगर हम ये कहना चाहते हैं दे प्रोबेबली विल नॉट गो देयर, कि मतलब ये जो नेगेटिव मीनिंग है विल नॉट, अगर हम इसको लेकर स्ट्रेस करना चाहते हैं कि मतलब ज्यादा चांसेस इसके ये हैं, हाई पॉसिबिलिटी है नहीं जाने की, मतलब इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी को विल नॉट से पहले लिख दो, सही है? अगर आप इस नॉट को नहीं स्ट्रेस करना चाहते हो, केवल ये जो आप सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे हो वो सर्टेनिटी एक्शन से रिलेटेड है, ना कि उसके नेगेटिव मीनिंग से, तो आप ऐसे लिख दो दे विल नॉट प्रोबेबिली गो देयर, दे प्रोबेबली विल नॉट गो देयर, ठीक है? तो अब यहां पे ध्यान ही रखना कि जैसे प्रोबेबली एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, तो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी मतलब आप सर्टेनिटी किसको लेकर एक्सप्रेस कर रहे हो, नेगेटिव नॉट को लेकर या वर्ब गो को लेकर, ठीक है? अगर नेगेटिव नॉट को लेकर सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी को विल नॉट से पहले लिखो, ठीक है? अगर आप ये सर्टेनिटी जो प्रोबेबिलिटी के थ्रू है वो एक्शन को लेकर एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसको इससे पहले लिखो, ठीक है? तो ये हो जाएगी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग देयर, ये हो जाएगी वीकर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग देयर, ठीक है? ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग देयर हो गया, और ये वीक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग देयर हो गया, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म लिख दें, जैसे विल नॉट की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म वॉन्ट होती है, तो जब हम वॉन्ट लिख रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में हम नेगेटिव को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ये हमेशा ध्यान देना। जब हम हैज नॉट को हैजंट लिखते हैं ना, तो हम उस नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है? जब हम डू नॉट को डोंट लिखते हैं तो हम उस नॉट को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जब आपको पता ही चल गया कि विल नॉट लिखकर आप वॉन्ट को स्ट्रेस कर रहे हो, तो ये जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी वो आपको इससे पहले ही लिखना पड़ेगा, इसके बाद नहीं। तो मतलब आप चाहे इसे ऐसे समझ लें या वैसे सीधे से समझ लें कि अगर हम कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में नॉट का यूज कर रहे हैं, हैजंट वॉन्ट कैंट, ठीक है, तो उस केस में जो भी आप एडवर्ब यूज कर रहे हो वो आपको इससे पहले ही लिखने पड़ेंगे, इसके बाद नहीं, ठीक है? ये एक छोटी सी बात है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है? उसके बाद में व्हेन एडवर्ब्स आर यूज बिफोर नॉट दे मे ऑल्सो बी यूज बिफोर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जब हम एडवर्ब्स को नॉट से पहले यूज करते हैं तो अगर हम उनको चाहें तो उनकी फर्स्ट ऑक्सिलरी से पहले भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबली को ना विल से पहले लिख रखा है, ऐसे चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, दे विल प्रोबेबली नॉट गो देयर, ठीक है? लेकिन अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है, ठीक है, तो हमेशा पहले ही लिखना। मतलब अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है, जैसे यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब विल है, ठीक है, या मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हैज हो या कैन हो या मे हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ड डू है तो उस केस में जो भी एडवर्ब है उसको हमेशा पहले ही लिखना, उसको बाद में मत लिखना, ठीक है? मैं एक एग्जांपल से बात तुम्हें समझा देता हूं। देखिए दे प्रोबेबली डू नॉट नो हिम, ठीक है? दूसरा दे डू नॉट प्रोबेबली नो हिम, ठीक है? तो अब जैसे हमने यहां पे क्या किया, प्रोबेबली जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है ना इसका यूज किया, यहां भी यहां भी, यहां पे डू नॉट है हेल्पिंग वर्ब, यहां पे भी डू नॉट है। अच्छा, तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि अगर हम डू को छोड़ दें, ठीक
मतलब डू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दें तो बाकी जितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, दे हैव सम देयर इनहेरेंट मीनिंग्स, उनके अपने कुछ ना कुछ इनहेरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कैन है, उसमें एबिलिटी परमिशन का सेंस होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। आपका जैसे मे है, उसमें परमिशन या प्रेयर का सेंस होता है, अंडरस्टूड। विल में विलिंगनेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसका सेंस अंडरस्टूड होता है। शुड में सजेशन है, एडवाइस है, उसका सेंस अंडरस्टूड होता है, ठीक है। हैज हैव वगैरह होते हैं, उनमें जो होता है कि वो परफेक्ट स्टेट की वर्ब होती हैं, तो उनमें कंप्लीशन का सेंस इनहेरेंट होता है। बी की फॉर्म्स इज एम आर होती हैं, उनमें क्या होता है, पैसिव का सेंस या फिर आप यूं कह लीजिए कॉन्टिन्यूटी का सेंस इनहेरेंट होता है, अंडरस्टूड होता है। लेकिन जो डू की फॉर्म्स होती है ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल ऑक्सिलरी होती है, मतलब ये न्यूट्रल ऑक्सिलरी होती है, इसमें अपना कोई भी सेंस इसमें होता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी अपना खुद का सेंस अंडरस्टूड होता नहीं है, ठीक है। तो जब हम डू के साथ नॉट लिखते हैं, तो एक्चुअल में वहां पे नॉट ही स्ट्रेस किया जा रहा होता है, नॉट ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम नॉट को हाईलाइट करने के लिए ही डू का यूज करते हैं। तो देखो, सबको पता है कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम डू डज डिड का यूज नहीं करते। सबको पता है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, तो हम उसमें डू डज डिड का यूज नहीं करते। डू डज डिड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो जब आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तभी आप डू डज डिड का यूज करते हो। तो इसका मतलब, अगर आप डू का यूज कर रहे हो या डिड का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नॉट को स्ट्रेस करने के लिए ही डू डज डिड का यूज कर रहे हो, अदरवाइज तो आपको डू डज डिड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि भाई नॉट को स्ट्रेस ही करना है, तो फिर एडवर्ब जो है वो उससे पहले लिखो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट लिख रहे हैं, तो उस केस में आप जो भी एडवर्ब यूज करोगे, वो इससे पहले ही यूज करोगे, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो दे प्रोबली डोंट नो हिम, ये मत लिखना दे डू नॉट प्रोबली नो हिम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर डू का हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, तो उसमें नेगेशन को स्ट्रेस करने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज नॉट से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब डू है, तो उस केस में आपको पहले ही लिखना पड़ेगा, बाद में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, डन। तो देखिए, इस लेक्चर के साथ में ये जो हमारी सीरीज थी 3 लेक्चर्स की, पोजिशंस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, दैट इज ओवर नाउ, ठीक है। हाँ, एडवर्ब्स की बात कर रहा हूं मैं, एडवर्बियल्स की, क्लॉजेज ऑफ फ्रेजेस की बात नहीं कर रहा, ये हमारी ओवर हो गई, ठीक है। और आप इसको अच्छे से सीखें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स वगैरह बनाएं। बाकी इंग्लिश तो गजब लैंग्वेज है, सीखो। और केवल इसको मतलब ना बिना पर्पस के मत सीखो, इसको सीखो ना एक पर्पस के साथ सीखो, कि इंग्लिश सीख कर ना हमें अपनी लाइफ में ये बदलाव लाने हैं। इंग्लिश सीख कर हमें एक अच्छी जॉब लेनी है, इंग्लिश सीख कर हमें अच्छी इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश सीख कर हमें विदेश जाना है, इंग्लिश सीख कर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, इंग्लिश सीख कर हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, ठीक है। इंग्लिश सीख कर मतलब सेट सम गोल्स, मतलब कुछ गोल से पर्पस सेट करो। केवल इसलिए इंग्लिश मत सीखो कि तुम्हारे पास एक जीमेल आईडी है और तुम यूट्यूब एक्सेस कर सकते हो, और तुम्हारे पास खराब करने के लिए टाइम है, और मोटिवेशन का वीडियो देख के तुम्हारा मन भर गया है, और प्रैंक वीडियोस देख के तुम्हारा मन भर गया है, तो तुम इंग्लिश सीखने लग गए, ठीक है। ऐसे मत सीखो, ठीक है। तो इंग्लिश का ना एक पर्पस सेट करो, इसलिए सीखना है। और इफ यू आर अ टीचर, और इफ यू वाना बी अ टीचर, अगर आप टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और लगता है तुम्हें कि आई कुड बी ऑफ एनी आई कुड बी एनी हेल्प टू यू, मैं तुम्हारे लिए कोई हेल्प हो सकता हूँ, दिस इज द नंबर 9891991959, ठीक है। आप इस नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या टीचर हैं, ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, और मेरे तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तरीके मेरे, सिलेबस मेरा, हेल्प मैं आपको करूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको दूंगा, इन जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, जनरली आप जानते हो कि यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ, उनके असाइनमेंट्स नहीं होते, ठीक है। हाँ, वो हम असाइनमेंट्स उनके डिस्कस ही नहीं करते यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। इनके असाइनमेंट्स हैं, इन पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजें इंग्लिश में, ठीक है, जो हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो अगर आप टीचर हैं और टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश के, और तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर 9891991959, ठीक है। यू ड्रॉप मी अ मैसेज सिंपली कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्पेशल बैचेस फॉर टीचर्स, एंड वी विल कॉल यू, हम आपको कॉल करेंगे, और हम आपको अपना प्लान समझाएंगे कि हमारा प्लान टीचर्स को लेकर क्या है, टीचर्स को लेकर हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और हम आपसे क्या चाहते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इफ यू एग्री ऑन दो टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, बहुत हुआ, ठीक है। सो मीट यू सून, फिर से कोई नई सीरीज और कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपको जल्दी ही यूट्यूब पे मिलूंगा।
बाकी बाय एवरीबॉडी।